नारायण नारायण दोस्तों दोस्तों महाभारत के भीष्म पितामह के बारे में कौन नहीं जानता है, आप भी जरूर जानते होंगे। महाभारत पढ़ी नहीं देखी जरूर होगी टीवी में, तो भीष्म पितामह के बारे में आप भी जानते हैं। कभी आपके मन में ये सवाल उठा कि इतने धर्मपरायण, इतने निष्ठावान, इतने वचनबद्ध व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में शरशय्या बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी पर फिर भी वो मृत्यु को गले नहीं लगा रहे थे। आता है ना आपके भी मन में ऐसा विचार कि ऐसा क्यों हुआ? सेम विचार, यही विचार भीष्म पितामह के मन में भी लगातार आ रहा था। श्री कृष्ण उनसे रोज मिलने जाते थे, तो एक दिन श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की आंखों में एक प्रश्न देखा। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आप क्या जानना चाहते हैं? दिल ही दिल में तो कृष्ण को पता था कि भीष्म पितामह क्या जानना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने उनको मौका दिया। बोले आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? बोले कृष्ण मैंने अपने पिछले 100 जन्मों का सारा हिसाब देख लिया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन पिछले 100 जन्मों में मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसको आज मैं भुगत रहा हूं। कृष्ण ने कहा पितामह उन 100 जन्मों से पीछे एक जन्म और जाइए, आपको पता लग जाएगा। देखिए भीष्म पितामह में इतना उनमें शक्ति थी कि वो अपने पूर्व जन्मों को देख सकते थे, तो वो 100 से 1 जन्म पीछे गए। उस समय वो किसी प्रदेश के देश के राजा थे, काफी बलवान थे, और उस समय उनको एक ही था कि मैं अपने साम्राज्य को विस्तार करूं, साम्राज्य को आगे से आगे बढ़ाता चला जाऊं। ये उस समय उनके उस जन्म में उनकी ये इच्छा रहती थी। तो करने तो भला गए पर हो गया गड़बड़। तो वो लोग उनका निकल रहे थे, वो लोग किसी रास्ते से लड़ाई के लिए, तो भीष्म पितामह घोड़े पर थे और उनके साथ में उनके और सिपाही भी थे। तो रास्ते में उन्होंने एक सांप को पड़ा हुआ देखा भीष्म पितामह ने, तो उन्होंने अपने एक सिपाही से कहा इसको उठाकर उधर झाड़ियों में रख दो, नहीं तो कोई घोड़ा या कुछ इसके ऊपर से निकला तो ये मर जाएगा। उस सिपाही ने क्या किया, सांप को तीर पर उठाया, उड़ा दिया और वो झाड़ी में गिर गया। सिपाही को तो यही लगा कि वो झाड़ी में गिर गया, पर सिपाही ने ध्यान नहीं दिया कि वो कटीली झाड़ी थी। बिल्कुल वैसे ही वो सर्प उस पर जाकर गिर गया और जो उसके जो कांटे थे वो उसके शरीर से वैसे ही बाहर निकल कर आ गए और वो सर्प वहां पर 10 दिन तक तड़पता रहा। तो दोस्तों कुछ भी कर्म करने से पहले ध्यान रखिए, हम नहीं जानते हैं कौन से कर्म का फल हमें किस जन्म में जाकर भुगतना पड़ता है। कोशिश कीजिए, भीष्म पितामह तो उस सर्प का भला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिपाही से कहा कि इसको उठा के झाड़ियों में रख दो, पर गलती से वो ऐसा हुआ और उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकती कि फेंका तो सिपाही ने था तो भीष्म को क्यों उसका भुगतान करना पड़ा, बस इतना जानती हूँ क्योंकि आज्ञा भीष्म ने दी थी, तो जो आज्ञा देता है कर्म उसी के निमित्त हो जाता है। कर्मों का पूरा ध्यान रखिए। नारायण नारायण।